हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 5.3। तो बने रहिए अगली वीडियो में। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, जब एक बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 5 को x + 3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो पहले क्या करना है आपको, ये इसका इसमें डिवाइड कर देना है और जो शेष आए उसका आंसर आपको लिख देना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर आपको क्या करना है, आसान तरीके से समझने का प्रयास करना है। देखिए सबसे पहले तो हम बता दें कि यदि आपको x + 3 का किसमें भाग देना है, आपको इसमें भाग देना है, x² + 4x + 5 में देना है। समझ गए इतनी बात को। देखिए आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि यानी ऐसा तरीका अपनाना है कि पहले ही हमारी संख्या कटनी चाहिए। आपको ऐसा गुणनखंड बनाना है। देखिए कैसे, आप x² लाना चाहते हैं, यहाँ क्या लाना पड़ेगा आपको, x² लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे, देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, x में यदि हम इस पूरी इक्वेशन में आपका x से गुणा करा दें तो आपको x² यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखिए कैसे हम क्या कर रहे हैं, x + 3 में यदि हम x का गुणा करा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, प्लस में 3x आएगा कि नहीं आएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले आपको x बार इसमें भाग देना है, x टाइम आप जैसे इसमें डिवाइड करेंगे, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता, तो जो आता है इसको यहाँ लिखते हैं बीच में, तो यहाँ हो जाएगा आपका x² प्लस में यहाँ आ जाएगा आपका 3x। बताइए समझ में बात आई कि नहीं आपको। देखिए हम क्या कर रहे हैं, x + 3 का पहले कितने बार भाग दे रहे हैं, x बार, तो x बार में जितना आया उसको आपको लिख देना है। यहाँ क्या होता है हमारा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और ये भी हमारी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, जो प्लस में है वो माइनस में बन जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में बन जाएगा, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए पहले हमारी संख्या तो कट गई है, यानी कि x² हमारा कट गया। तो पहले आपका एम क्या है, आपको पहली संख्या को अच्छे तरीके से काट लेना है। अब देखिए इसको घटा लेते हैं, 4 यहाँ 4x है, यहाँ 3x है, तो हम क्या करते हैं 4 से 3 को घटा लेते हैं, कितना जाएगा यहाँ से, केवल आपका 1x, यानी कि 1 लिखिए तो ना लिखिए, केवल आपका x बचेगा यहाँ से, और ये आपका आ जाएगा 5। देखिए प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या हमारी बड़ी है। अब देखिए x + 5 में आपको कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा, आपको केवल x बार, क्योंकि देखिए एक बार जैसे करेंगे आप, यहाँ लाएंगे प्लस का 1, एक बार करेंगे तो आपको x यहाँ आ जाएगा। तो आपका एम क्या है, पहले हमारी संख्या को अच्छे तरीके से काट लेना है। तो जैसे आप एक इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x और प्लस में 3, उसी प्रकार आ जाएगा। अब देखिए ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस तो ये पहले कट जाएगा, और ये 5 लिखा या 3 लिखा, 5 में से 3 घटाइए कितना आ जाएगा, 2। क्या पूछ रहा था, आपका शेषफल ज्ञात कीजिए, तो आपका यही शेषफल है, यानी कि यही रिमाइंडर है आपका, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, रिमाइंडर और शेषफल क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको सारे क्वेश्चन को कर लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, करा एक बहुपद ये लिखा हुआ x² + 6x + 9 को किस में से डिवाइड करना, x + 3 से, और जो आपका आंसर आ जाए उसको लिख देना है, यानी जो शेषफल बचे उसको आपको लिख देना है। तो देखिए लिखा हुआ x + 3 किस में भाग देना है इसका, आपको x² + 6x + 9 में देना है। देखिए आपको x² बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से x का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जैसे आप x के इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा और ये 3x। तो हम क्या करते हैं, पहले x टाइम्स इसमें डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ जाएगा x² और प्लस में 3x आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। सेम देखिए वही तरह का क्वेश्चन ये भी है, यहाँ जाकर देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस तो ये पहले हमारा कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 6x से आप 3x घटा दीजिए, यानी 6x से आपको 3x घटा देना, कितना आ जाएगा आपका, 3x आ जाएगा, किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि हमारी प्लस की संख्या बड़ी है, और यहाँ जाएगा प्लस का 9। अब कितनी बार जाएगा, केवल ये एक बार जाएगा कि दो बार जाएगा, बताइए। यहाँ आपको 3x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको 3 का गुणा कराना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं प्लस का 3। तो प्लस का 3 जैसे इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 3x, और इसमें कराएंगे 3 का गुणा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखिए समझिए फिर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 3 हमारा कैसे आ गया, हमको उसमें 3 का गुणा करा देंगे, यदि आप इसमें 3 का गुणा कराएं तो कितना आ जाएगा, 3x, और 3 × 3 = 9 आ जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 3 बार इसमें से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा इस बार, क्योंकि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 0 से इस पर आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है x - 1 से किस में भाग देना है आपको, कह रहा है x³ - 7x + 6 में भाग देना है इस बार, तो इसको भी लिख लेते हैं। देखिए आपको इस बार क्या बनाना है, x³ बनाना है। x³ कैसे बनाएंगे, देखिए x लिखा है आपको, x³ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x² × x करना पड़ेगा, नहीं देखिए x तो पहले से लिखा है, x³ यदि आप x² किसमें भाग दे दें, किससे, x² से, तो क्या बन जाएगा, एक संख्या इसमें प्लस हो जाएगी। देखिए इतना ध्यान रखना है, यदि आप x² से भाग दें तो यहाँ कितना आ जाएगा, x³ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से x पहले लिखा हुआ है। देखिए और इसमें पावर में क्या होता है,
वैल्यू क्या हो जाती है, जुड़ जाती है मल्टीप्लाई में, तो क्या जाए एक्स की पावर 3 आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको इस बार एक्स स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा। तो पहले हम करते हैं एक्स स्क्वायर टाइम्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ एक्स की पावर 3, और इसमें से कराएंगे माइनस 1 में कराएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बताइए आ रहा है कि नहीं इतना ही। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये तो कट जाएगा, और जो ये माइनस लिखा था ये क्या में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। देखिए माइनस है तो प्लस है तो माइनस में, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर तो कहीं नहीं इक्वेशन में, तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसको फिर नीचे उठा के रख देना है माइनस का 7x प्लस में 6। अब देखिए आपको क्या बनाना है इस बार, एक्स स्क्वायर बनाना। देखिए पहली संख्या को आपको अच्छे तरीके से पूरा काट लेना है। अब देखिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर, तो क्या करना है आपको एक्स इस बार आपको एक्स से भाग देना पड़ेगा। तो जैसे आप एक्स से भाग देंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, तभी तो ये वैल्यू आती है। देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स से इसमें गुणा करना दीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में एक्स आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, ये तो प्लस माइनस से कट जाएगा। यहाँ क्या जाएगा, देखिए 7 से क्या करना है आपको एक्स घटा देना है, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 7 से क्या करना पड़ेगा आपको एक्स घटाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा, और किसका आएगा माइनस का 6x आएगा, क्योंकि देखिए माइनस संख्या हमारी बड़ी है और प्लस में 6 आ जाएगा। देखिए इस बार आपको यहाँ क्या लाना है, 6x लाना है, तो कैसे लाएंगे 6x बताइए, इसमें आपको कैसे इंटू करा दें, किस एज से यानी किस नंबर से आप इंटू करा दें, इसमें गुणा करा दें कि आपका 6x आ जाए, बताइए माइनस का 6। यदि माइनस का 6 से आप इसमें गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 6x आ जाएगा, और माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस का 6 बन जाएगा। बताइए कुछ बचा क्या, 0 बचा, क्योंकि ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे। अब देखिए कैसे हमने किया था माइनस 6 का गुणा, इसमें एक्स माइनस 1 लिखा है, हमने क्या किया माइनस का 6 का गुणा कर दिया, तभी तो हमारा आया। देखिए कैसे माइनस का इसमें पहले करिए तो माइनस का 6x, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 6। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा, 0 रिमाइंडर हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई भी डाउट हो या यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, और इसके बाद आपको कौन सा वीडियो चाहिए, किस प्रकार कौन से एक्सरसाइज समझ में नहीं आती उसको भी आपको क्लियर बता देना है, तो उसको हम बहुत जल्दी लाएंगे। ये क्या लिखा हुआ, जब बहुपद लिखा हुआ एक्स की पावर 3+1 को एक्स प्लस 1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल बताइए। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 1 से भाग देना है, और किस में देना है बताइए, एक्स की पावर 3+1 में देना है। देखिए बहुत ही आसान है, बस अच्छे तरीके से आपको समझना लेना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ एक्स प्लस 1, यहाँ लिखा हुआ एक्स क्यूब प्लस 1। देखिए आप एक्स क्यूब कैसे बना देख सकते हैं, एक्स की पावर 3 कैसे बना सकते हैं, यदि आप एक्स की पावर 2 से इसमें से डिवाइड कर दें। बताइए यदि एक्स प्लस 1 का एक्स की पावर 2 से, देखिए समझिए इसे, मान लीजिए 2 का भाग देना है आपको 9 में देना है, तो कितनी बार आप पढ़ेंगे कि हमारा लगभग 9 की तरफ आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 4 बार पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, 2 × 4 इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो वही तो हम यहाँ लिखते हैं। बताइए 4 × 9 = 8 होता है कि नहीं, यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखते हैं और माइनस करते हैं कि नहीं करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। यदि आपको टोटली कह दिया जाए कि इसको पहले आपको हटा ही देना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए 2 का यदि भाग आपको 8 में देना है तो टोटली आपको हटाना है, तो कितनी बार आपका जाएगा 4, तो 4 × 9 = 8 आएगा कि नहीं, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, और लास्ट में क्या करते हैं हम घटा देते हैं, तो वही प्रोसेस इसमें भी करना है, और कहीं अलग नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब देखिए जैसे आप करते हैं एक्स का इसमें इंटू कराएंगे कि नहीं कराएंगे, तभी तो वैल्यू जो आएगी यहाँ लिखेंगे। देखिए पहले एक्स स्क्वायर इसमें कराई तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 3, और प्लस में इसमें कराएंगे 1 में, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे इसको घटा दीजिए माइनस, ये भी माइनस, देखिए प्लस माइनस तो ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में 1 आ जाएगा। देखिए जो ये 1 लिखा हुआ है इसको हमने यहाँ लिख दिया, और जो आपका देखिए माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ ऊपर कोई नहीं था, तो हम कैसे घटाएंगे, तो क्या कर दिया हमने माइनस एक्स स्क्वायर नीचे ले आए। अब देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर बनाना है इस बार, वो भी माइनस का, तो क्या करना आपको माइनस का एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए माइनस का एक्स इसमें इंटू करा लीजिए, देखिए एक्स प्लस 1 से आपको क्या करना है माइनस एक्स से गुणा कराना है, तो पहले इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा प्लस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये भी, तो ये तो हमारा कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ये देखिए कि अब क्या बन चुका है प्लस बन चुका है, तो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स आ जाएगा, और ये 1 लिखा है तो इसको फिर से उतार लीजिए प्लस 1। अब देखिए जो वैल्यू ये लिखी वही वैल्यू ये भी लिखी है, तो क्या करना, सिंपली आपको एक बार इसमें गुणा कराना पड़ेगा, पता है एक बार कराएंगे तभी तो ये आ जाएगा। देखिए 1 को इसमें इंटू करा लीजिए तो यह हो जाएगा एक्स प्लस 1, और देखिए ये भी माइनस, तो टोटली कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0 रिमाइंडर आपका बचेगा, क्या बचेगा 0 रिमाइंडर, यानी कि शेषफल 0 आ जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है,
क्या लिखा हुआ है, जब बहुपद, ये लिखा हुआ आपका बहुपद दिया गया है, पॉलीनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री को एक्स प्लस टू से भाग दिया जाता है। देखिए सेम वही करना काम इसमें भी करना है। क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्स प्लस टू का किस में भाग देना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस में थ्री। अब देखिए यहाँ क्या लाना है, पहले आप एम क्या है, मुद्दा क्या है आपको, यहाँ बनाना है आपको एक्स स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसमें एक्स का गुणा कराकर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स का, यदि आप इसमें से गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और इसमें कराएंगे एक्स का, देखिए इसका इसमें गुणा कराना है आपको, इसमें पहले कराएंगे तो एक्स स्क्वायर और फिर इसमें भी कराएं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से टू एक्स आ जाएगा। तो नीचे कितना बचा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट जाएगा। देखिए ये थ्री लिखा है, यहाँ टू लिखा है, तो क्या आ जाएगा आपका एक्स आ, तीन से दो घटाएंगे क्या बचेगा, केवल वन एक्स बचेगा। और ये भी किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, यहाँ से आ जाएगा थ्री। उसी प्रकार जो इसको लिखा है ऊपर उसको नीचे उतार देना है। अब देखिए यहाँ से आप एक्स प्लस थ्री कैसे ला सकते हैं बताइए, ये तो थ्री तो आएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, केवल पहले क्या मेन एम क्या है आपको, पहले नंबर लाना है एक्स लाना है। तो एक्स कैसे लाएंगे, केवल प्लस वन का इसमें गुणा करा दें, क्या करा दें, एक का इसमें गुणा करा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, केवल एक यहाँ एक्स आ जाएगा, प्लस में टू आ जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस, ये भी माइनस, ये तो प्लस माइनस से कट जाएगा। तीन से दो घटाएंगे क्या बचेगा आपका, एक, जो कि क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि एक से इस फल आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है जब दिया गया बहुपद एक्स की पावर सिक्स प्लस एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन को एक्स माइनस टू से भाग दिया जाता है तो इसका शेषफल बताइए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, बस अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस में भाग देना है, एक्स माइनस टू का किस में देना है आपको भाग, एक्स की पावर सिक्स प्लस एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वन, इसमें देना है। तो देखिएगा क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए एक्स की पावर सिक्स पहले बनाना है, कैसे बनाएंगे, यदि आप एक्स की पावर पाँच इस बार गुणा कर दें, देखिए कैसे लिखा हुआ है, एक्स प्लस माइनस टू लिखा है, यदि आप इसमें एक्स की पावर पाँच से गुणा करा दें, देखिए हमको ऐसे पता क्यों चल जाता है, हम क्या देखिए एक इससे मिल जाएगी पावर, एक पाँच इससे मिल जाएगी, तो हमारे छः पावर हो जाएगी, इसलिए हम सीधा सीधा कर देते हैं एक्स की पावर पाँच। तो देखिए एक्स की पावर पाँच इसमें कराएंगे गुणा तो एक्स की पावर छः हो जाएगा, और इसमें कराएंगे तो टू एक्स की पावर पाँच आ जाएगा। देखिए पहले हमने इसमें कराया तो ये आया, और इसका इसमें कराएंगे तो टू एक्स की पावर पाँच आ गया। अब देखिए जो आपकी वैल्यू आई उसको यहाँ लिख दीजिए, एक्स की पावर सिक्स माइनस टू एक्स की पावर फाइव आ गया, इसको घटाना है इस बार, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, देखिए प्लस माइनस तो ये तो कट जाएगा। अब देखिए ऊपर तो कितनी पावर, एक्स की पावर फोर है, देखिए पावर यदि सेम हो तभी आपको घटाना है, उल्टा सीधा नहीं घटा देना है, यहाँ लिखा हुआ है फोर यहाँ लिखा है फाइव, आप सीधे सीधे घटा दिए, ऐसा नहीं करना। देखिए एक्स की पावर ऊपर फाइव नहीं है तो क्या करना है, इसको उसी प्रकार नीचे भी उतार देना है, क्या हो जाएगा प्लस टू एक्स की पावर फाइव, देखिए प्लस बन गया है क्योंकि पहले माइनस था, अब नीचे उसको क्या बना दिया, प्लस बना दिया है। और जो ये वैल्यू लिखी है उसको नीचे उतार लीजिए, प्लस का एक्स की पावर फोर माइनस के एक्स की पावर टू प्लस वन। अब देखिए आपका एम इस बार क्या होना चाहिए, टू एक्स की पावर फाइव बनाना है, कैसे बनाना है इसको, आप टू एक्स की पावर फाइव कैसे बना सकते हैं, देखिए आपको तो पहले देखिए इसको नहीं लिखे थे हमने एक्स की पावर फाइव, क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसमें दो से गुणा कराना पड़ेगा, तो दो तो आ जाएगा यहाँ, टू एक्स आ जाएगा और एक्स की पावर यहाँ वन है, क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स की पावर फोर से यदि आप इसमें इसका पूरा इसमें गुणा करा दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ आ जाएगा टू एक्स की पावर फोर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, सॉरी फाइव, क्या आएगा यहाँ, केवल एक्स की पावर फाइव, देखिए एक इससे मिल जाएगी और एक चार पावर इससे मिल जाएगी, देखिए चार एक कितना हो जाएगा पाँच और टू एक्स उसी प्रकार रहेगा, माइनस है तो माइनस, देखिए इसमें माइनस होगा ना, माइनस लगा दीजिए, देखिए दो दूनी चार हो जाएगा और एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, चार आ जाएगी। देखिए कैसे, टू एक्स की पावर फोर का किस में हमने गुणा कराया है, एक्स माइनस टू में, तो कितनी आ जाएगा आपका, देखिए पहले इसका इसमें कराइए, देखिए टू उसी प्रकार रहेगा और यहाँ एक्स की पावर वन है, यहाँ एक्स की पावर कितनी है, चार है, तो दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, तो एक्स की पावर यहाँ से आ जाएगी पाँच, माइनस लगा दीजिए क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, प्लस माइनस माइनस होता है, कितना हो जाएगा, देखिए दो दुनाई चार और एक्स की पावर, देखिए यहाँ एक्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, केवल एक्स की पावर यहाँ से आ जाएगा आपका चार। देखिए सेम यही चीज़ लिखा हुआ है ना यहाँ पर भी, अब इसको आप घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, देखिए प्लस माइनस तो ये तो कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए ये भी एक्स की पावर फोर है, ये भी एक्स की पावर फोर, देखिए ये चार है और यहाँ क्या है आपकी एक है मान लीजिए, तो चार एक कितना हो जाएगा यहाँ से, पाँच एक्स की पावर फोर माइनस एक्स की पावर टू प्लस वन, इतना होगा कि नहीं होगा। अब देखिए आपका एम क्या होना चाहिए, फाइव एक्स की पावर फोर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे बताइए, देखिए पाँच से पहले इसमें गुणा कराना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पाँच लिख देते हैं, देखिए यहाँ एक्स की पावर फोर है, यहाँ एक्स की पावर केवल वन है, तो कितना कम पड़ रहा है, एक्स की पावर थ्री, बताइए केवल कितना पड़ कम पड़ रहा है, एक्स की पावर थ्री,
यदि आप 5x की पावर 3 से इसमें गुणा करा दें, यहाँ कितना आ जाएगा 5x की पावर 4 आ जाएगा, इसमें कराएंगे तो -5 × 2 = 10 x की पावर 3 आ जाएगा। अब इसको घटा दीजिए। देखिए आपको ये काफ़ी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, इसको आपको टिक कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर, क्योंकि पेपर में भी आने के चांस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब देखिए आगे ये माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस, प्लस माइनस तो ये कट जाएगा। अब देखिए लिखा हुआ है माइनस लिखा है, ये प्लस लिखा है, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हमारा माइनस होता है। अभी 10 से आपको क्या घटाना पड़ेगा, देखिए ऊपर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो घटेगा तो नहीं, तो क्या आ जाएगा केवल उसी प्रकार 10x की पावर 3 आ जाएगा, -x² और +1, जो जो चीज़ें हमारी बची थी देखिए उनको हमने लिख लिया उसी प्रकार। ये बचा था ना आपका x की पावर 2, तो हमने ये लिख दिया x की पावर 2 + 1, और x की पावर 10x की पावर 3 तो हमारे ये लिख दिया। अब देखिए अब क्या होना चाहिए आपको, इसको क्या बनाना है आपको, 10x की पावर 3 यहाँ लाना है, इसके द्वारा क्या लाना है आपको, 10x की पावर 3 लाना है। तो कैसे लाएंगे, यहाँ से आपको पहले 10 का गुणा कराना पड़ेगा और x की पावर 2 से, क्योंकि देखिए एक यहाँ x इसके मिल जाएगा और ये 2 इससे मिल जाएगा, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 10x की पावर 3 माइनस कितना हो जाएगा, 20x की पावर 2। अब देखिए ये माइनस ये प्लस ये तो घट जाएगा, देखिए ये 20 लिखा हुआ है x², ये 1x², देखिए 20 से क्या करना आपको, ये घटा देना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 19 आ जाएगा, आएगा ना 19, वो भी प्लस का आएगा x², और ये +1 उसी प्रकार, देखिए +1 तो अभी इसी प्रकार आ जाएगा नीचे भी। अब देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस बार क्या बनाना है आपको, 19x², तो कैसे बनाएंगे, इस बार क्या करना पड़ेगा आपको, 19 से +19 और x से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 19x² और माइनस का क्या हो जाएगा, 19 × 2 = 38x हो जाएगा। तो देखिए फाइनली कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लिखते हैं ये माइनस और ये प्लस, ये तो कट जाएगा, ये क्या लिखा हुआ 38x, ऊपर लिखा हुआ 1, तो देखिए कितना आ जाएगा, प्लस का 38x आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। अब देखिए अब आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ 38x बनाना पड़ेगा। देखिए x तो यहाँ उसी प्रकार लिखा है और ये भी x लिखा हुआ है आपका, देखिए सही से देखिए, ये भी आपका x लिखा हुआ है और ये भी x लिखा हुआ है, क्या करना केवल आपको इस बार प्लस का 38 से भाग दे दीजिए और जो आ जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इसको भी डिवाइड करके प्लस का 38 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 38x आ जाएगा माइनस 38 × 2 = कितना हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 17, ये हो जाएगा आपका। देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये तो हमारा कितना हो जाएगा कट जाएगा, और 76 कितना हो जाएगा 77, क्योंकि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरह आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये काफ़ी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, इसको एक बार आप अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए ये लिखा हुआ 5x की पावर 3, 2x की पावर 4, 5x की पावर 3, और ये लिखा हुआ 10x की पावर 2, 19x, और ये लास्ट में 38x, ये आपका क्या है क्वाड्रेंट है, और ये क्या लिखा हुआ है पूरा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए रोक रोक कर। अब चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यह कह रहा है एक्स की पावर कितनी दी गई, 15 दी गई, -199 को किससे भाग देना है, एक्स माइनस 1 से भाग दिया जाता है, तब आपको क्या बताना है, इसका शेषफल बताना है। तो क्या आएगा शेषफल, देखिए ये क्वेश्चन आपको लग तो बहुत छोटा रहा होगा, पर इसका देखिए आंसर लग रहा है बहुत बड़ा आएगा, कैसे आएगा देखिएगा। अभी किससे भाग देना है, एक्स माइनस 1 से देना है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं सिंपली, किस में देना है, एक्स की पावर 15 -199। देखिए यदि आपको एक यहाँ क्या बनाना है, एक्स की पावर 15 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं आप बताइए, एक्स की पावर यदि आप 14 से इसमें गुणा करा दें तो यहाँ एक्स की पावर 15 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, देखिए कैसे एक्स की यहाँ लिख लेते हैं, दूसरे पेज में समझाते हैं आपको। ये देखिए क्या लिखा हुआ, एक्स माइनस 1 क्या बनाना है आपको, एक्स की पावर 15 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, यदि आप एक्स की पावर 14 से मल्टीप्लाई करा दें, देखिए कितना हो जाएगा, ये यहाँ पावर इसकी 1 बन जाएगी, ये 14 हो जाएगी, तो पावर कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर 15 माइनस में इसका इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, केवल एक्स की पावर 14 रहेगा, उसी प्रकार ये आपका रिजल्ट आएगा इस तरह। तो यहाँ आप लिख दीजिए एक्स की पावर 15 माइनस में एक्स की पावर 14 किससे भाग दे रहे हैं, एक्स की पावर 14 से दे रहे हैं, समझ गए बात इतना। अब देखिए इसी तरह यह सीरियल चलता रहेगा, अब यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये तो हमारा प्लस माइनस से कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका देखिए एक्स की पावर 14 और ये ऊपर का जो 199 लिखा है उसी प्रकार ये भी रहेगा 199, ये बार बार उसी तरह चलता रहेगा। अब कितनी बार आपको भाग देना है, यहाँ एक्स की पावर 14 लाने के लिए केवल एक्स की पावर 13, देखिए यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, यहाँ 13 यहाँ ये 14 यहाँ 13 या इसके बाद 12 एक्स की बार 11 इस तरह आता रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 14 माइनस में एक्स की पावर
13। देखिए यहाँ क्योंकि माइनस लगा है, माइनस वन का इसमें गुणा कराएंगे। देखिए पहले एक्स का इसमें गुणा करा लीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 13, फिर माइनस वन का इसमें कराएंगे तो माइनस एक्स की पावर 13 आ जाएगा। अब देखिए ये पावर में लगा हुआ है, इसको आपको एक्स की एक्स 13 नहीं लिख लेना है, क्या लिखा है, एक्स की पावर 13 में लिखा पावर में। अब देखिए ये माइनस और ये बन जाएगा प्लस, ये तो कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस में एक्स की पावर 13 माइनस में 199, जो ऊपर लिखा उसको हमने उसी प्रकार उतार दिया। अब कितनी बार जाएगा ये एक्स की पावर 12 टाइम्स बताइए, यदि आप एक्स का इसमें गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 13 आ जाएगा, और माइनस वन का इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का एक्स की पावर 12 आ जाएगा। देखिए ये माइनस या ये प्लस, ये तो कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस में 12 एक्स की पावर 12 लिख दिया हमने, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 12 माइनस में 199। अब देखिए अब यहाँ एक्स की पावर 12 बनाने के लिए ये करना पड़ेगा आपको, एक्स की पावर 11 से मल्टीप्लाई, तो जैसे एक्स की पावर 11 से कराएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बताइए, एक्स की पावर 12 और माइनस का इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 11। इसी तरह सीरियल चलता रहेगा, देखिएगा अभी कहाँ तक जाता है, माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स की पावर 11। देखिए हमारा माइनस था प्लस, हम क्यों लिख रहे हैं बार बार, क्योंकि देखिए माइनस इसमें किस में बदल गया, ये प्लस में बदल गया, तो यहाँ प्लस का एक्स की पावर 11 माइनस 199 आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा आपका। अब यहाँ एक्स की पावर 11 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, प्लस एक्स की पावर 10 से डिवाइड करके, तो यहाँ आ जाएगा आपका एक्स की पावर 10 माइनस में एक्स की पावर 10, इसको भी सॉरी 11, यहाँ भी आ जाएगा आपका 11, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ क्या बचा आपका बताइए, यहाँ बचा आपका देखिए ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तभी हमने काट दिया। अभी यहाँ क्या बचा, केवल एक्स की पावर यहाँ 10 बचा माइनस में 199, उसी प्रकार हुआ। अब देखिए यहाँ एक्स की पावर 10 बनाना तो कैसे बनाएंगे, एक्स की पावर है आपको 9 से भाग देना, देखिए 10 के बाद 11 के बाद 10, 10 के बाद 9, देखिए 11 10 9, इस बार क्या करना पड़ेगा एक्स की पावर 8 से, फिर एक्स की पावर 7 से, प्लस एक्स की पावर 6 से, इसी तरह भाग चला जाएगा। देखिए कहाँ तक जाता है, यहाँ जाएगा आपको एक्स की पावर 10 माइनस एक्स की पावर 9, ये तो हमारा कट जाएगा प्लस माइनस प्लस से, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस एक्स की पावर 9 माइनस 199। अब देखिए एक्स की पावर 8 से भाग देना पड़ेगा आपको, तो यहाँ लिखेंगे एक्स की पावर 9 माइनस एक्स की पावर 8। ऐसा देखिए क्यों कर रहे हैं बार बार, अभी तक आप समझ गए होंगे, एक्स की पावर 8 का जैसे आप इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कराने पर एक्स की पावर 9 हो जाएगा, और माइनस का 1 कराएंगे तो एक्स की पावर 8 आ जाएगा। देखिए माइनस ये प्लस ये तो कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा एक्स की पावर 8 माइनस 199। देखिए काफ़ी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, इसकी आप बात कर सकते हैं, पर हम देखिए पूरा ही सॉल्व कर देंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो करने पर। अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा एक्स की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 7, यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ ना एक्स की पावर 7 से आपको मल्टीप्लाई कराना है इस बार, तो यहाँ बचेगा माइनस ये हो जाएगा प्लस ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स की पावर 7 माइनस एक्स की पावर, यहाँ देखिए लिखा हुआ 199, उसी प्रकार आ जाएगा। अभी देखिए इस बार कितना पड़ेगा, एक्स की पावर 6 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको, तो एक्स की पावर यहाँ आ जाएगा 7 माइनस एक्स की पावर 6, ये तो माइनस और ये प्लस कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा एक्स की पावर 6 माइनस 199। अब देखिए कितना पड़ेगा एक्स की पावर 5 फिर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 फिर प्लस एक्स की पावर 2 तक शायद जाएगा ये। अब देखिए कितना आ जाएगा एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, माइनस ये हो जाएगा प्लस ये तो ख़त्म, एक्स की पावर 5 माइनस 199। अब देखिए यहाँ एक्स की पावर 5 आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 4, किससे डिवाइड करना है, एक्स की पावर 4 से कर रहे हैं, तो ये माइनस ये प्लस ये तो कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 199, फिर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3, इस बार हमने किससे किया, एक्स की पावर 3 से किया है, तो ये माइनस ये प्लस ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2, इस बार किससे करेंगे सॉरी 199 आएगा, यहाँ एक्स की पावर इस बार हमने 2 से किया, एक्स की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ एक्स की पावर 2 आ जाएगा, ये कितना बचा, ये तो माइनस ये प्लस ख़त्म, एक्स की पावर 2 माइनस 199। अब देखिए इस बार किससे करेंगे आप, एक्स की पावर एक्स से करेंगे, देखिए जैसे आप एक्स का इसमें गुणा करा देंगे, किस में करा देंगे एक्स के इसमें गुणा कराइए, एक्स माइनस वन में क्या कराइए आप, एक्स का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, एक्स एक्स कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस में कराएंगे तो एक्स माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस एक्स आ जाएगा, वही यही लिख दीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स आ जाएगा, ये देखिए तो माइनस ये प्लस ये तो ख़त्म, यहाँ क्या बचा आपका एक्स बचा माइनस 199 बचा, देखिए पूरे पेज में ही आया हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए सिंपली इस बार क्या करना है आपको, केवल यहाँ लिखा हुआ है आपका लिखा एक्स माइनस वन, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, केवल आपको इस बार एक से गुणा करा दीजिए, तो जैसे आप एक से इसमें गुणा कराएं तो कितना आ जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा यहाँ माइनस वन आ जाएगा, देखिए ये माइनस ये प्लस ये तो कट जाएगा। अब देखिए
199 से क्या करना है आपको, एक घटा देना, क्योंकि देखिए ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस की, तो कितना आ जाएगा माइनस में 198, जो कि क्या हो जाएगा आपको फाइनल रिमाइंडर यानी कि आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ रहा है 198 आ रहा है, वो भी माइनस का। इस तरह आपको क्वेश्चन कर लेना, देखिए काफ़ी लॉन्ग ऐसा टाइप क्वेश्चन था, इसका थोड़ा थोड़ा आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये देखिए यहाँ से आप यहाँ तक ले लीजिए, यदि आपने नोट नहीं किया है उसके बाद इसको आगे कभी कर लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखिए काफ़ी टाइम टेकिंग था ये क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 का एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए इसका एक क्या करना है, एक गुणनखंड आपको बताना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 12। देखिए गुणनखंड ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका, सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ x लिखा हुआ है ना, देखिए x इक्वल टू में आप मान लीजिए 1, 2, 3, 4। यदि आप इन तीनों किसी भी वैल्यू से क्या कह रहे हैं, किसी भी वैल्यू यदि आप इसमें रख दें कोई भी वैल्यू x की वैल्यू, और वो क्या आ जाए टोटली क्या बन जाए जीरो बन जाए, तो वही क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए आपने x की इस बार क्या रख दिया, पावर 1 रख दिया, यदि आप ये जीरो के बराबर हो जाए तो इधर भी जीरो आ जाए और इधर भी जीरो आ जाए, तो किसका मतलब क्या हो जाएगा एक इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो x इक्वल टू में क्या रखेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड, तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू में 0, जो ये 1 लिखा इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में। इतना समझना है, यदि समझ में नहीं आया तो फिर समझिएगा। अभी देखिए हम क्या लेते हैं, x की पावर इधर मान लेते हैं 1, 2, 3, इसमें पहले हम 1 रख कर देख लेते हैं, तो x इक्वल टू में जैसे हमने 1 लिखा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा देखिए 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू में 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 इंटू में 1 हो जाएगा माइनस में 12 लिखा है, उसी प्रकार लिख दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में 12 इंटू में 1 हो जाएगा और माइनस में 12 लिखा है। बताइए समझ में आ रही बात आपको। अब देखिए इधर हमने क्या माना है, जीरो मान लिया, एक का क्यूब करेंगे यानी कि एक का घन करेंगे तो एक आ जाएगा माइनस में एक का, यदि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक रहेगा और तीन एक करना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे किया देखिए, फिर से एक लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक रहेगा, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा 3 इंटू में 1 प्लस 12 और 12 गुणा एक से करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा माइनस में 12 हो जाएगा। इधर क्या रखा हमने, 0। अब देखिए ये क्या हो रहा है 1 माइनस में 3, 3 एक करना 3 हो जाएगा माइनस में 12 सॉरी प्लस में 12 माइनस में 12। देखिए प्लस माइनस तो ये तो कट जाएगा और 3 से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि ये 0 की इक्वल बताइए हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू में 1 इसका गुणनखंड नहीं है। अब देखते हैं x इक्वल टू में हम रख देते हैं 2, यदि इस इक्वल टू में 2 रख देते हैं और ये 0 आ जाता है तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 12। इस बार हमने क्या रखा, x की पावर x की इक्वल टू में 2 रखा, देखिए यहाँ से उधर जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 गुणे में 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे में कितना हो जाएगा 2 माइनस में 12। देखिए 2 का घन करेंगे, इधर हमने क्या रखा 0, तो यहाँ रखेंगे आप 2 का घन करेंगे कितना आ जाएगा 8 माइनस में 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस में 4 दुनाई कितना हो जाएगा 8 माइनस में 12 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये लिखा हुआ 8 माइनस में 4 तीन 12 प्लस में 8 माइनस में 12, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये प्लस प्लस के हो जाएंगे प्लस, इधर हो जाएगा 0 8, 8, 16 माइनस में 24 आ जाएगा। देखिए 8, 8, 16 हो जाएगा 12, 2, 9, 24, तो कितना बचेगा ये 8, 6 जो देने की आपका 8 बचेगा। बताइए वो भी किसका बचेगा, माइनस का, बताइए 0 के बराबर हो रहा है क्या, ये बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू में 2 रखने से इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए ये हम आपको सिखा रहे हैं, देखिए टाइम टेकिंग ये क्वेश्चन नहीं है, यदि आपको इस तरह क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं तो आप कभी जीवन में भूल नहीं पाओगे, ठीक है। और यदि वीडियो छोड़कर जा रहे हैं तो आप यहीं चले जाइए और आपको लास्ट में समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, यदि आप वीडियो पर बने रहेंगे तो आपको देखिए समझ में ज़रूर आएगा और इस तरह क्वेश्चन आप अधिकतर कर पाएंगे। अभी देखिएगा आगे, एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया, इस बार 3 मान लिया, जहाँ आपकी वैल्यू 0 हो जाए वही इसका गुणनखंड हो जाएगा। क्या बताना है, केवल इसका एक गुणनखंड बताना है, तो यहाँ रखेंगे देखिए एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 12। ये आपकी क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखा है, हमने क्या मान लिया इधर 0 मान लिया, इस बार हम क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 3 का स्क्वायर
प्लस में चार गुणे में तीन माइनस में हो जाएगा, ये 12 इक्वल टू में क्या हो जाएगा जीरो। देखिए तीन का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, तीन त्रिकोणा त्रिको 27 माइनस में तीन यहाँ लिखा हुआ है, तीन का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस में चार तीन 12 हो जाएगा और माइनस में ये 12 लिखा हुआ इधर आ जाएगा जीरो। अब देखिए 27 हो जाएगा यहाँ से, ये लिखा हुआ है माइनस तो माइनस लगा दीजिए, नौ त्रिक कितना हो जाएगा 27, ये देखिए प्लस का 12 लिखा है तो 12 लिख दीजिए, माइनस का लिखा है 12 तो लिख दीजिए, उसी प्रकार ये हो जाएगा जीरो। देखिए प्लस का है ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का कट जाएगा, आपस में क्या आ जाएगा जीरो, इक्वल टू में क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब क्या है, जो आपका एक्स इक्वल टू में 3 है इसका गुणनखंड है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स प्लस ए इधर लिखा है एक्स इक्वल टू में 3, इस 3 को इधर अंदर ले आइए तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस में 3 इक्वल टू में हो जाएगा जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस 3 इसका एक गुणनखंड है, तो आपका यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरह आप आंसर भी निकाल सकते हैं, इस तरह आपका प्रोसेस था करने का। आपको देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, यदि आप इतना भी लिखना चाहते हैं तो ये भी आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी आंसर सही है, तो आप इतना भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पी ब्रैकेट में दिया माइनस 3 इक्वल टू में जीरो, तब बहुपद आपको क्या बताना है, पी एक्स का गुणनखंड बताना। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कैसे, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, पी माइनस 3, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर अभी ये वाला किया था ना क्वेश्चन नंबर 8, क्या आपने वैदू रखकर क्वेश्चन निकाल रहे थे आंसर, सिंपली इधर क्या लिखा हुआ है जीरो रखा हुआ है और इधर क्या लिखा है पी एक्स का क्या निकालना है आपको, गुणनखंड बताना है। क्या बताना है, गुणनखंड बताना है। देखिए कैसे बता सकते हैं, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है ठीक है, और देखिए यहाँ पी एक्स की वैल्यू क्या लिखी है, देखिए पी एक्स इक्वल टू में लिखा हुआ है एक्स, तो पी एक्स की वैल्यू कितनी लिखी है माइनस 3, तो यहाँ लिखेंगे पी एक्स की वैल्यू लिखा है माइनस 3, इधर कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब क्या करना, जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ रख दीजिए 3, तो क्या हो जाएगा पी माइनस 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस का 3 ठीक है, तो माइनस 3 इक्वल टू में हम क्या मान लेते हैं जीरो। समझ में बात आ रही कि नहीं आपको, जीरो ना मान लीजिए, मान लीजिए एक्स लिखा हुआ है किसके बराबर हो जाएगी, एक्स के बराबर। देखिए पी माइनस 3 बराबर हमने मान लिया एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो बस क्या करना एक्स बराबर लिखा है माइनस 3, इस माइनस 3 को अंदर ले आइए तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा जीरो, यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कह रहा है बहुपद आपको दिया है 2x³ प्लस 4x प्लस में 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 के तरीके आप इसको कर सकते हैं। क्या मान लेते हैं x इक्वल टू, इस बार हम मान लेते हैं 1 माइनस 1 2 माइनस 2 ठीक है, और इनमें से आपको क्या बताना है, केवल एक बताना है, यदि कोई भी वैल्यू रखने पर यदि पूरी क्वेश्चन क्या हो जाए जीरो, तो वही आपका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। देखिए हम पहले क्या रख देते हैं x इक्वल टू में, देखिए लिखा हुआ है मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू में लिखी हुई है आपकी इक्वेशन 2x³ प्लस 4x प्लस में 6 लिखा हुआ है ठीक है, यही आपकी क्या है इक्वेशन दी गई है, बस इसमें क्या कर दीजिए आप जहाँ लिखा हुआ x वहाँ रख दीजिए, इस बार 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा p 1 रख के हम देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू में 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू में 1 प्लस 6, यदि ये जीरो हो जाए पूरी वैल्यू तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन इसकी सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो यहाँ रख दीजिए 2 एक का यदि आप घन करेंगे तो कितना हो जाएगा एक ही आ जाएगा, प्लस 4 गुणे में एक करेंगे तो 4 आएगा, प्लस में 6 इक्वल टू में क्या हो जाएगा जीरो। देखिए 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, प्लस में 6 4 कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा जीरो, 10 2 कितना हो जाएगा 12 बराबर जीरो, बताइए जीरो के बराबर है क्या, बिल्कुल ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा पी इक्वल टू 1 इसका वैल्यू नहीं होगा। तो इस बार क्या करते हैं हम रख लेते हैं x इक्वल टू में माइनस 1 रख के देख लेते हैं, और यदि आप ये जीरो हो जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए क्या रखा जाएगा यहाँ से p माइनस 1 इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 2 इंटू में माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू लिखी है ना वही, बस इसी में रख दीजिए, यहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ आपको रख देना है माइनस 1, प्लस लगा दीजिए 4 इंटू में क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस में 6। देखिए फिर से 2 यदि आप माइनस 1 का यदि आप घन करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 1 ही आएगा। देखिए जब भी आप माइनस 1 की पावर यदि सम पावर हो, यानी सम जानते हैं ना, जैसे ये 2 से भाग हो जाए तो क्या हो जाएगा प्लस बन जाता है, और यदि विषम पावर हो तो क्या हो जाता है माइनस ही रहता है, तो यहाँ लिख जाएगा प्लस, और ये यहाँ देखिए 4 का इसमें एक गुणा कराएं कितना आ जाएगा माइनस में 4 आ जाएगा और प्लस में 6, उसी प्रकार रहेगा। देखिए क्या हो जाएगा 2 एक कम 2 हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस अंदर क्या हो प्लस माइनस के अंदर गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 4 और प्लस में 6 बराबर क्या हो जाएगा, मान लिया हमने 0 मान लिया है। देखिए 4 तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो
तो हो जाएगा माइनस का 6 और ये प्लस का 6। उसी प्रकार लिखा है क्या हो जाएगा 0। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 = 0। इसका मतलब क्या है, जो आपने एक्स माइनस वन लिखा है ये एकदम इसकी इसका फैक्टर बनेगा। तो कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस वन इक्वल टू में 0। और जो अब ये माइनस वन इधर आएगा तो किस में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। देखिए जो माइनस वन इधर इधर लिखाएंगे इक्वल टू में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में बन जाएगा। और एक्स प्लस वन आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। इस तरह इसको आप भी नोट कर सकते हैं। यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या तो किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आपको एक बार फिर से पूछ लेना है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।